बॉलीवुड के असली दबंग यानी कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 आखिरकार आज पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित कर दिया गया। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ भीड़ देखी गई है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। फिल्म के एडवांस बुकिंग पहले से ही हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ लगभग सभी सिनेमाघरों में नजर आया। जी हाँ, मल्टीप्लेक्स हो या फिर सिंगल थिएटर, सभी में पवन सलमान खान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोलने लगा। जी हाँ, पहला दिन और पहला शो की बात करें तो फिल्म सभी सिनेमाघरों में लगभग हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ नजर आया। पीवीआर में लोगों को टिकट न मिलने से दूसरे शो का इंतजार करना पड़ा, लेकिन सिंगल थिएटर की हालत तो और भी काफी ज्यादा रहा। जी हाँ, यहाँ पर एडवांस बुकिंग नहीं होती है, लेकिन थिएटरों में काफी ज्यादा लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिली। जी हाँ, यानी कि मल्टीप्लेक्स हो या फिर पीवीआर या फिर सिंगल थिएटर, सभी में सलमान खान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोलने लगा। जी हाँ, पहला दिन पहला शो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ सभी सिनेमाघरों में नजर आया। खास करके सलमान खान के दमदार डायलॉग तो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ, मल्टीप्लेक्स हो या फिर पीवीआर या फिर सिंगल थिएटर में सलमान खान के दमदार डायलॉग पर दर्शक जमकर सिनेमाघरों में हंगामा मचाते हुए नजर आए। तो वहीं सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माया हुआ रोमांटिक गाना तो दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोला। तो वहीं साउथ के स्टार सुदीप का विलन का कैरेक्टर तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके सलमान और सुदीप का जोरदार फाइट सीन तो दर्शकों को काफी ज्यादा नंदित करता है। कुल मिला के कहा जाए तो सलमान खान की दबंग बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से पहला दिन और पहला शो की बात करें तो अब देखना यह होगा कि क्या इसी तरीके से सलमान खान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहने वाला है। दर्शकों की माने तो सलमान खान की फिल्म दबंग 3 यानी कि बॉक्स ऑफिस पर करीब 800 करोड़ से ऊपर कमाई करने की आंकड़ा नापा गया है। क्या वाकई में ही सलमान खान की फिल्म दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा पाएगा? यह तो आज से ही होने लगा है।